सब्सक्राइब करें टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, एक बहुत ही जरूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी ने हमारे चैनल टेक हेल्प इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा ताकि आप सभी को इस चैनल पर डाली जाने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो बेसिकली इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है, ये सिर्फ आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट है इस वीडियो के थ्रू कि आप जैसे काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं बायनेंस पे ही ट्रेडिंग करता हूँ, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मैं कोई इंडीसेक्स पे या वजीरेक्स पे ही करता हूँ, कोई कहता है कि मैं ओकेक्स पे करता हूँ, बिट्रेक्स, पोलोनिक्स, चाहे जो भी हो, चाहे बिटमैक्स, जो भी जिस पे भी ट्रेडिंग करते हैं। पर आज की डेट में सिर्फ आप, पहली बात, अगर आप फंड मैनेजमेंट यानी कि रिस्क मैनेजमेंट जानते हैं तो कभी भी किसी एक एक्सचेंज पर ट्रस्ट नहीं करना है, तो अपने फंड को 3 से 4 एक्सचेंजेस में डिवाइड रखें। और आप किसी कॉइन को अगर होल्ड करना चाहते हैं तो उसको कम से कम ये आपका ट्रस्ट वॉलेट या फिर आप एटॉमिक वॉलेट के अंदर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप XTZ को रखना चाहते हैं होल्ड, या सोच रहे हैं कि मैं इसको कम से कम 1-2 साल के लिए होल्ड रखना चाहता हूं, या BNB को रखना चाहता हूं, कावा, मैटिक, तो इनको रखना चाहता हूं, तो आप सिंपली एटॉमिक वॉलेट में चले जाएं और वहां पर जाकर XTZ की, चाहे कावा की, या जो भी कॉइन्स हो उनको स्टेकिंग प्रोग्राम में डाल सकते हैं, ताकि उससे आपको बेनिफिट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कावा को डालते हैं तो अभी मान के चलते हैं कावा का प्राइस है, या मैं कोटी का एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी मान के चलते हैं कोटी का प्राइस 330 सतोसी का है, और आपको 1 साल के अंदर अगर इसके अंदर आपको 12 से 15 या 16% या 20%, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता कितना रिवार्ड मिलता है इसके अंदर 1 साल के अंदर, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे XTZ के अंदर 7% का है, तो अगर आपको मान के चलते 20% का भी मिल रहा है और आपने करीब करीब इसके अंदर 1 लाख क्या कहते हैं कोटी कॉइन को होल्ड कर लिया, और आपको 1 साल के बाद, अभी 330 का प्राइस है, 1 साल के बाद आपको 1,20,000 आपके कोटी मिलेगी अगर 20% का रिटर्न है तो उसमें, तो आपके पास एक तो एक साल तक के लिए आपका फंड भी सेफ हो गया, आपको होल्ड करना ही तो सेफ है, दूसरी बात आपको 20,000 कोटी भी एक्स्ट्रा मिल गए, साथ में उस वक्त क्या आपका 330 सतोसी का प्राइस का जगह क्या आपका साल भर में ये 1,000 सतोसी हो जाए, तो वो भी उस एंगल से भी आपको बेनिफिट होने वाला। पर एक्सचेंजेस के साथ रिस्क ज़्यादा रहता है, तो मैं एक्सचेंजेस को कभी भी नहीं कहता कि एक एक्सचेंज पे सारा पैसा रखे, तो 3-4 मैं बेसिकली मेरा अकाउंट KuCoin, OKEx, MXC, Binance, CoinDCX, Wajirex और PocketBits, इन सभी एक्सचेंजेस पे मेरा अकाउंट है। पहले बिटमैक्स यूज करता था, मैंने उसको छोड़ दिया, मैं उसको यूज नहीं करता हूँ, या फिर लिवरेज ट्रेडिंग के लिए मैं स्नैपएक्स यूज करता हूँ, बाकी मैं किसी पे भी कर लेता हूँ जहाँ से मुझे ठीक लगे, चाहे मार्जिन ट्रेडिंग चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको एक तो थोड़ा सा ये बताया फंड कैसे रखना चाहिए आपको, और आप अगर किसी को होल्ड करना चाहते हैं तो उसे स्टेकिंग प्रोग्राम में डालकर उसे होल्ड कर सकते हैं, वहाँ से भी बेनिफिट लीजिए। अब जो जरूरी बात है, आपका अकाउंट किस किस एक्सचेंजेस पर होना चाहिए। बेसिकली अभी देखिए डिफाई कॉइन्स खूब जबरदस्त चल रहे हैं, आप एर्गो की बात कर लीजिए, BNT की बात कर लीजिए, RLC की बात कर लीजिए, रेन की बात कर लीजिए, और इसी तरह के इतने अनगिनत कॉइन्स हैं जिन्होंने सॉलिड प्रॉफिट दिया है। तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि सबसे पहले बाइनेंस पर आने से पहले, क्योंकि मोस्टली बाइनेंस यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूं, पर मेरे अकाउंट अदर एक्सचेंजेस पर भी हैं, जिसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक्रो का सिग्नल मैंने दिया था 12 तारीख को भी, 2 तारीख को भी, उसके बाद 5 तारीख को भी, 9 तारीख को भी, जब 12 तारीख को 2 तारीख को दिया था इसका 34 सतोसी का प्राइस और 88 सतोसी तक ये गया था करीब करीब, तो हमने यहाँ भी सॉलिड प्रॉफिट बुक किया, यानी कि 2.5x तक प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद हमारी 52 पे भी बाइंग है इसकी, तो हमने इसके अंदर बहुत बार प्रॉफिट बुक किया है। मैं बात कर रहा हूँ एक्रो की, एक्रोपोलिस की। तो अभी देखिए एर्गो की भी न्यूज़ आई है, तो आप ये KuCoin पे बाय कर सकते हैं, MXC पे बाय कर सकते हैं, तो इसलिए आपका देखिए मोस्टली जो पहले डिफाई कॉइन्स हैं वो जो छोटे कॉइन्स डिफाई वो आपको पहले MXC एक्सचेंज पर देखने को मिलते हैं, फिर KuCoin पे देखने को मिलते हैं, फिर बाइनेंस पे बाद में अदर एक्सचेंजेस पर अवेलेबल होते हैं। तो आप अपना अकाउंट KuCoin एक्सचेंज पर, जैसे भी देखें KuCoin एक्सचेंज पर आपको देखने को मिल सकता है, देखिए एर्गो भी MXC पर भी है, तो KuCoin देख रहे होंगे आप, तो ये दो मेजर है, जैसे KuCoin, MXC पर आपका अकाउंट जरूर होना चाहिए, बाकी बाइनेंस और CoinDCX पर आप अपना अकाउंट रख सकते हैं, CoinDCX पर आप लिवरेज ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हैं, वहाँ पे मोस्टली सारे अल्ट कॉइन के अंदर आप मार्जिन ट्रेडिंग देख सकते हैं, पर जबकि आपको मार्जिन ट्रेडिंग बाइनेंस के अंदर भी सभी कॉइन्स के अंदर अवेलेबल नहीं मिलेगी। तो मेरा यही कहना, तो अपना CoinDCX, KuCoin, बाइनेंस, MXC, इन पर अपना अकाउंट जरूर बना के रखिए, जरूर बना के रखिए,
और आप साथ के साथ ले सकते हैं, तो ओकेक्स को भी इसके साथ इंक्लूड कर लीजिए। और अपने फंड को, फंड भेजने में कितना टाइम लगता है? आप जैसे यूएसडीटी को भेजते हैं तो उसे टीयूएसडी के फॉर्म, सॉरी तो यूएसडीटी को आप हमें ट्रांसफर कर लीजिए, तो आपको उसमें फी भी कम लगती है और आपका उसमें बहुत माइनर फी लगती है, और उसमें साथ में आप अगर ट्रोन उसके ब्लॉकचेन के थ्रू भेजते हैं तो उसमें बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। अदरवाइज आप चाहे तो एक्सआरपी को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्सआरपी से एक्सआरपी वॉलेट में ट्रांसफर करने पे फी नहीं लगती है। अब तो ये अपडेट इसके लिए मैं देना चाह रहा था आपको दोस्तों। अभी देखिए हमारा एक्रो और साथ में मैं आपको एरगो और साथ में आपको बता दूं ओशियन, इनको आप अपने उसमें बाइंग के अंदर रख सकते हैं, थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। इनका आपको कमिंग डेज और वीक्स के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट दिल सकता है, करीब करीब 25% से 2x तक आप, यानी 100% तक आप इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एरगो, ओशियन और साथ में एक्रो, एक्रो ऑलरेडी थोड़ा सा प्रॉफिट के अंदर है ऑलरेडी, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा कम प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ऑलमोस्ट 40% से 60% तक। तो ये अपडेट है दोस्तों एमएक्ससी एक्सचेंज का, मैं बता चुका हूँ आपको, और साथ में आपको एमएक्ससी एक्सचेंज और इसके अंदर ओशियन को आप बाय कर सकते हैं, और साथ में एर्गो केयू कॉइन से बाय कर सकते हैं, चाहे आप बिटमार्ट मैक्स से भी बाय कर सकते हैं। फिर आप इन दोनों एक्सचेंजेस पर बना के रखेगा, साथ में बाइनेंस पर बना के रखेगा। तो इस वीडियो का दोस्तों बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे लास्ट वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको दो कॉइन बताए हैं आर्डर और डोज कॉइन का, कैसे बाय सेल करना है, क्या टारगेट है, क्या रेंज है, पूरा चार्ट एनालिसिस के साथ आप इसको देख सकते हैं, अभी की वीडियो है। बाकी मैटिक जिली का आरईपी और आलसे ऑन टीएडी, इन सब की वीडियो मैंने इसके अंदर दी गई, डिटेल दी गई, इनको देखकर आप उसके अंदर एंट्रीज ले सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया उसे तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको फ्री क्रिप्टोकरेंसी के सिग्नल्स दिए जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के साथ आपको गाइडेंस दी जाती है, अपडेट दी जाती है, छोटे छोटे अपडेट चार्ट एनालिसिस के थ्रू अपडेट दी जाती है, लेटेस्ट न्यूज़ दी जाती है। लाइक अभी जैसे एरगो की बात कर लीजिए और एसटीपीटी की बात कर लीजिए, सभी तरह की न्यूज़ दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीमियम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, आप चाहे तो हमारे प्रीमियम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर अभी मैंने कल ही ट्रॉय का सिग्नल दिया था 476 पर, और अभी देखिए 53 का प्राइस है और ये अभी 55 तक को भी हिट कर सकता है। तो प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, एक महीने की तीसरी 1000 रुपीज़ है, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। उसका आप टेलीग्राम पर मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैसेज करके, टेक हेल्प इन हिंदी, हिंदी में डबल आई है, तो मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आप ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई इश्यूज पूछते हैं, बाकी अगर आप कोई क्रिप्टो से रिलेटेड कोई इश्यू पूछते हैं तो मुझे टेक हेल्प इन हिंदी ग्रुप के अंदर, मुझे चैट डिस्कशन ग्रुप है जो, उसके अंदर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।